स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 का लेसन 1 टॉम सायर एक्सप्लेन करूंगा और इसके राइटर हैं मार्क ट्वेन। टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर। यहाँ पे कोई टॉम टॉम करके पुकार रहा है टॉम को और कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वेयर कैन बी ही, ऑन पॉली आस्क्ड हरसेल्फ। ऑन पॉली ने स्वयं से पूछा वह कहाँ हो सकता है। जब आंसर नहीं मिला टॉम को पुकारने पर तो ऑन पॉली ने स्वयं से पूछा वह कहाँ हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हियर, वह यहीं कहीं होगा। सी वेंट टू द डोर, लुक्ड आउट इन टू द गार्डन एंड देन शाउटेड अगेन, टॉम टॉम। वह दरवाजे की तरफ गई, दरवाजे पे गई, लुक्ड आउट इनटू द गार्डन और बागीचे में देखा। उसके बाद उन्होंने फिर चिल्लाया टॉम टॉम, नो आंसर, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, वह जो बूढ़ी औरत थी वहीं पे कुछ सोचते हुए खड़ी रही। सडनली सी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, अचानक ही उसने अपने पीछे कुछ आवाज़ सुनी। सी टर्न राउंड क्विकली, वह जल्दी से घूम गई। देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, वहाँ पे अलमारी के पास टॉम था, अलमारी के करीब टॉम था। देयर वॉज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, उसके चेहरे पर चारों तरफ जैम लगी हुई थी। जैम मतलब मुरब्बा होता है, तो मुरब्बा उसके चेहरे पे चारों तरफ लगा हुआ था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर चुके हो। आंट पॉली आस्क्ड एंग्री, आंट पॉली ने नाराजगी के साथ पूछा। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर सी वेंट ऑन, यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, जब टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया तो आंट पॉली ने आगे बोलना जारी रखा। You have been stealing the jam again. तुम दोबारा जैम की चोरी कर रहे हो। Don't tell me that you have not. यह मत कहना कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। Have not I told you 100 times to keep away from the cupboard? क्या मैंने तुमको सैकड़ों बार नहीं कहा है कि इस अलमारी से दूर रहो। Where is my stick? मेरी छड़ी कहाँ है। Aunt Polly took her stick and raised it high. आंट पॉली ने अपनी छड़ी को लिया और उसे उठाया ऊपर। सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वह टॉम को बहुत कस के मारने ही जा रही थी। लुक बिहाइंड यू आंटी, शाउटेड टॉम, तभी टॉम ने चिल्लाते हुए कहा आंटी पीछे देखो। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर और आंट पॉली ने पीछे देखा, अपने पीछे देखा। दिस वॉज टॉम्स चांस, यह टॉम के लिए अवसर था। ही रश्ड आउट द हाउस, वह घर से भाग गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, वह चार दीवारी पे चढ़ गया। सून ही वॉज फॉर अवे, जल्दी ही वह दूर हो गया, मतलब भाग लिया। आंट पॉली वॉज एंग्री बट सी हैड टू लाफ, आंट पॉली काफ़ी नाराज थी लेकिन वह हंस रही थी। ही ए बैड बॉय, वह एक खराब लड़का है। सी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उसको प्यार करती हूँ। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर बॉय एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, वह मेरी स्वर्गीय बहन का लड़का है और मुझे ही उसकी देखभाल करनी। आई डोंट लाइक टू हिट हिम बट आई हैव टू, मैं उसको मारना पसंद नहीं करती लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। If I do not punish him, अगर मैं उसे पनिश नहीं करूँगी, सजा नहीं दूंगी, he will grow up lazy and wicked, वह आलसी हो जाएगा, lazy मतलब आलसी और दुष्ट हो जाएगा, मतलब वह एक बड़ा होगा तो आलसी और दुष्ट हो जाएगा। Yes, I must be strict, हाँ मुझे कठोर ही रहना होगा। Aunt Polly sighed, Aunt Polly ने गहरी सांस ली। I will have to punish him for stealing the jam, मुझे उसको मुरब्बा चोरी के लिए मैं उसको मुरब्बा चोरी के लिए सजा दूंगी या सजा देना है। बट हाउ, लेकिन कैसे।
आई नो टुमारो इज सैटरडे एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे। मैं जानती हूँ कि कल सैटरडे है, शनिवार है, और शनिवार को स्कूल नहीं होता, मतलब छुट्टी होती है। द बॉयज हैव ए हॉलीडे, लड़के लड़कों के लिए यह छुट्टी का दिन है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम से कुछ काम कराऊंगी, टॉम को कुछ काम दूंगी। दैट विल पनिश हिम, और यही उसकी सजा होगी। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, द स्कूल वॉज शट। अगले दिन शनिवार था और स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज वेयर फ्री, गांव के सारे लड़के स्वतंत्र थे, मतलब खाली थे। इट वॉज ए ब्यूटिफुल डे, यह काफ़ी सुहावना दिन था, काफ़ी अच्छा दिन था। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वेयर सिंगिंग, सूरज चमक रहा था और चिड़िया गा रही थी। द ट्री एंड फ्लावर लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, जो पेड़ पौधे थे और फूल थे वे काफ़ी ताजे और प्यारे लग रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, और निश्चित रूप से टॉम भी तैराकी के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वेयर गोइंग, और सभी दूसरे लड़के भी जा रहे थे। टॉम कम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम बाहर से काफ़ी उदासी के साथ आया। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश, उसके हाथ में एक बड़ा सा ब्रश था। इन द अदर ही कैरीड ए बकेट, और दूसरे हाथ में उस एक बाल्टी थी विच वॉज फुल विथ वाइट वॉश, जिसमें वाइट वॉश मतलब पुताई का जो लिक्विड होता है वो भरा हुआ था बाल्टी में। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस, उसकी आंट ने उसको चारदीवारी का रंगाई पुताई करने का काम दिया था। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम ने काफ़ी काफ़ी उदासी के साथ चारदीवारी को देखा। हाउ हाई इट इज, यह कितना ऊंचा है। हाउ लॉन्ग इट इज, यह कितना ऊंचा है, ही थॉट, उसने सोचा। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 feet एंड इट्स लेंथ वॉज 30 yards, निश्चित रूप से इसकी जो ऊंचाई है, चारदीवारी की जो ऊंचाई है वो 9 feet है, और इसकी जो लेंथ है मतलब लंबाई है वो करीब 30 gajas है, यार्ड मतलब गज। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश, टॉम ने अपने ब्रश को वाइट वॉश में डाला। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, उसने इसको धीरे से चार दीवारी पे फिराया ब्रश को। इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क, इसने एक छोटा सा चिन्ह दीवार पे सफ़ेद रंग का चिन्ह बना दिया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने दोबारा प्रयास किया। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, दूसरा जो चिन्ह था वो भी बहुत छोटा सा सफ़ेद रंग का था। टॉम सेट डाउन एंड साइड हैवली, टॉम बैठ गया और गहरी सांस लिया। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, उसने अपने जेब में जो कुछ भी रखा था सब कुछ बाहर निकाला। ही हैड सम मार्बल्स, सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉय, उसके पास कुछ कंचे थे और कुछ धागे थे और 2-3 टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, ही थॉट, उसने सोचा कि इन सब के बदले में कोई भी इस दीवार की रंगाई पुताई नहीं करेगा। नो आई मस्ट थिंक ऑफ द बेटर प्लान, नहीं मुझे कुछ इससे बेहतर योजना बनानी चाहिए, कुछ बेहतर योजना सोचना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और काफ़ी गहराई से सोचा। सुन ही हैड एन आइडिया, जल्द ही उसे एक विचार आया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, उसने ब्रश को फिर से उठाया और काफ़ी परिश्रम के साथ कार्य करना शुरू कर दिया। बेन रोजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, गली में बेन रोजर्स चला रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, टॉम ने बहाना बनाया है जैसे कि वह बेन रोजर को देख नहीं रहा है। ही वर्कड हार्डर देन एवर, उसने पहले की तरह कठिन परिश्रम करना जारी रखा। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल, बेन एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह काफ़ी प्रसन्न भी दिख रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज ए बिग सेब एंड
ही वाज रोलिंग लाइक वन। वह कुछ ऐसा भाव बना रहा था जैसे कि वह एक बड़ा जहाज है और वह धीरे धीरे उस पर सरक रहा है। ही वाज गिविंग ऑर्डर्स इन ए लाउड वॉइस एंड द शिप वाज ओबेइंग देम। और वह एक तेज आवाज़ में आदेश दे रहा है और जो जहाज है उसका आज्ञा मान रहा है। ही कम अप टू टॉम, वह टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आई, उसने अपनी आंखों को मसला। व्हाई टॉम, ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, और उसने बहुत ही आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, क्यों टॉम, यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ भी नहीं कहा। ही वेंट ऑन विथ हिज व्हाइट वॉशिंग, उसने अपने रंगाई पुताई के कार्य को जारी रखा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वो कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे वो अपने कार्य में काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, टॉम ने दोबारा कहा कि टॉम तुम कार्य कर रहे हो, काम कर रहे हो। ओ इट्स यू बेन, आई डिड नॉट नोटिस यू, अब टॉम बोला कि ओ तुम, मैं तुम्हें देख नहीं पाया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, यू डू नॉट वॉन्ट टू कम डू यू, यू लाइक वर्किंग डोंट यू। अब बेन कह रहा है कि मैं तो तैराकी के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना नहीं चाहते हो। यू लाइक वर्किंग डोंट यू, क्या तुम कार्य करना ही चाहते हो, क्या ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट वर्क, टॉम सेड क्विकली एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग। अब टॉम ने जवाब दिया और बहुत ही शांति से जवाब दिया कि यह कोई कार्य नहीं है, और वाइट वॉशिंग करना, रंगाई पुताई करना जारी रखा। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम, बेन ने चकित होते हुए कहा, कोई कार्य नहीं है। ओ नो आई लाइक इट, यह नहीं, मैं इसे पसंद करता हूँ। वाइट वॉशिंग इज फन, रंगाई पुताई करना तो एक आनंददायक चीज़ है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड ए फेंस, यू हैव यू, तुमने कभी रंगाई पुताई नहीं किया है, क्या कभी तुमने किया है। वेल नो आई हैव नॉट, नहीं मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया है। फॉर अ टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, कुछ देर के लिए बेन खड़ा होकर टॉम को देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, पर टॉम ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिविंग टू हिज वर्क, उसका पूरा ध्यान उसके कार्य पर था। एट लास्ट बेन सेड लेट मी व्हाइट वॉश ए लिटिल, आखिर में बेन ने कहा कि थोड़ी देर के लिए मुझे भी रंगाई पुताई करने दो। ओ नो बेन आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, नहीं बेन मैं इस दीवार को बहुत ही आकर्षक, बहुत ही अच्छा बनाना चाहता हूँ। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, और ऐसा मैंने आंट पॉली को वादा किया है। बिसाइड इट इज इंटरेस्टिंग, यह अलग बात है कि यह काफ़ी दिलचस्पी वाला कार्य है। लेट मी डू जस्ट ए लिटिल बेक्ड बेन, अब बेन ने काफ़ी याचना के साथ कहा कि नहीं थोड़ा देर के लिए मुझे भी दो। नो आई एम सॉरी बेन बट आई कांट, अब इसके बाद टॉम ने कहा कि मुझे क्षमा करना पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मतलब मैं तुमको ऐसा अवसर नहीं दूंगा। आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माईसेल्फ, और आंटी ने कहा है कि इसे मुझे स्वयं ही करना है। इफ यू डू इट यू मेक ए मिस्टेक, यदि तुम इसको ऐसा करते हो तो तुम जरूर कुछ गड़बड़ कर दोगे, कुछ गलती करोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे। इट्स लुकिंग सो नाइस नाउ, यह देखो कितना अच्छा दिख रहा है। आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक, आई विल बी केयरफुल, नहीं मैं ऐसी कोई गड़बड़ नहीं करूँगा, मैं बहुत ही सावधानी से करूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ यू लेट मी, और तुम चाहो तो यह मेरा सेव ले सकते हो अगर तुम मुझे ऐसा करने का अवसर देते हो तो। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू मैन, धीरे से और अनिच्छा के साथ टॉम ने अपना ब्रश बेन को दे दिया। बेन वर्क्ड हार्ड, और बेन ने काफ़ी कठिन परिश्रम किया। ही सून ग्रीव हॉट, वह जल्द ही गर्म हो गया, मतलब थकने लगा। जब आदमी कार्य करता है थोड़ा पसीना पसीना हो जाता है, थोड़ा शरीर भी गर्म हो जाता है, तो वह थोड़ा गर्म हो गया। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन इसके बाद भी उसने कार्य करना जारी रखा। टॉम सेट देयर वॉचिंग एंड ईटिंग बेन एप्पल, टॉम वहाँ बैठा रहा और उसको देखते हुए सेव खाता रहा। व्हेन बेन हैड डन एनफ,
जब बिन ने काफ़ी कार्य कर लिया था, अदरवाइज कम इलाम दूसरे बच्चे भी आ गए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम एज बिन हैड डन। शुरू में तो वे सभी टॉम पे हंसे, जैसा कि बिन भी कर चुका था, बट सून दे वेयर वाइट वॉशिंग द फेंस। लेकिन जल्द ही वे सभी भी रंगाई पुताई करने लगे। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम। और निश्चित ही रूप से यह करने से पहले उन्होंने टॉम को कुछ न कुछ चुकाया भी। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग। उन लड़कों ने टॉम को अपना जो बेहतरीन चीज़ था वो दिया। 12 मार्बल्स, 18 सोल्जर, एक की, ए डॉग, स्कॉलर, द हैंडल ऑफ नाइफ एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज। उन लोगों ने टॉम को 12 कंचे दिए, एक टीन का बना हुआ सैनिक दिया, एक चाबी दिया और एक जो कुत्ते का पट्टा होता है वह दिया गया टॉम को, और हैंडल ऑफ ए नाइफ मतलब जो चाकू का हत्था होता है, चाकू का हत्था भी टॉम को मिला, और संतरे के 4 टुकड़े भी मिले। टॉम हैड एन ईजी टाइम। टॉम के लिए काफ़ी आसान समय था, अच्छा समय था। ही डिड नॉट वर्क बट सून द फेंस हैड 3 कोट ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो दीवार थी उस पर 3 दफ़ा रंगाई पुताई हो चुकी थी।